गुड आफ्टरनून। ना पहले तो अगर आप ये कंफर्म कर सकें कि ये वाकई में यूपी सरकार ने किया है क्या, और इससे कितना फायदा होगा ऑटो इंडस्ट्री को? देखिए, इसमें सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री के साथ नजर से नहीं देखना चाहिए, ये बड़ी नजर रहनी चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है कि हमें जीरो कार्बन पे पहुंचना है, कार्बन न्यूट्रलिटी करनी है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को क्लीन करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बंद करना है, उस नज़रिए से इसको देखना चाहिए। और उसके लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम यूपी गवर्नमेंट ने उठाया है, और उनकी इसके लिए मैं तो बहुत तारीफ करूंगा कि पहला स्टेट है जिसने ये विजन समझा कि ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को भी इनकरेज करके, इंसेंटिव देके वो ट्रांसपोर्ट बढ़ाना उन गाड़ियों का, ताकि इलेक्ट्रिक कार के साथ हाइब्रिड्स और सीएनजी और बायोफ्यूल्स की कार भी चलने लगेंगे। मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत हो गई उस रास्ते में, और उससे हमारा हिंदुस्तान का पूरा देश का फायदा होगा। ये ऑटो कंपनी का सिर्फ फायदे का मामला नहीं है। नहीं, वो तो खैर बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूँ कि उस सिलसिले में बढ़ना, लेकिन फायदा तो फिर भी हो ही रहा है। भार्गव सर, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी स्टेट्स भी फॉलो करेंगे? यूपी इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी स्टेट्स भी इससे क्यू लेंगे और फॉलो करेंगे इसको? मेरा तो ये अंदाज़ा है कि जब और स्टेट्स देखेंगे कि यूपी ने किया है और वो उसको एनालाइज करके समझ लेंगे किया है और इसकी क्या अहमियत है, तो मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी स्टेट्स इसको फॉलो करेंगी। करीब 4 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी, ऑन ग्राउंड क्या इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है कि थोड़ी इंक्वायरी ज़्यादा बढ़ने लगी, लोगों ने थोड़ा इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया है? इतने जल्दी पता नहीं चलता है, टू अर्ली। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा इससे, कितना सेल्स बढ़ेंगे सर? क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपकी बात मान गया कि ये सेल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी सेल्स पे भी तो इम्पैक्ट आएगा ही, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे सेल्स बढ़ने चाहिए? इसका इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हाइब्रिड कार्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और सिर्फ यूपी में कितनी गाड़ी बढ़ जाएंगी। बट इसको एज आई सेड, इसको देखना चाहिए कि इसकी ब्रॉडर पॉलिसी का और आगे चलने का क्या इम्पैक्ट है। और इससे बल्कि मैं समझता हूँ कि हाइब्रिड सेल्स और बाकी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज पे भी अब ध्यान जाएगा, उनका सेल बढ़ेगा और दाम कम होने से, गाड़ियाँ का क्लीन होने से मेरे ख्याल से टोटल इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आएगा। But it take time. भार्गव सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लास्ट टाइम भी जब मेरा आपसे डिस्कशन हुआ था, हम ग्रैंड विटारा को लेकर काफी बात कर रहे थे सर। अब इस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद एक कदम आपको भी लेना पड़ेगा। मतलब अभी तक ग्रैंड विटारा पे सर ये टेक्नोलॉजी थी, आई मीन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, अब आपको क्योंकि आपका सबसे समृद्ध पोर्टफोलियो है सर गाड़ियों का, 17, 18, 19 मॉडल है मेरे ख्याल से, अब नीचे छोटी गाड़ियों में भी आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करेंगे इसके बाद? देखिए, अभी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी छोटी गाड़ियों में इसलिए एक नहीं आ पा रही है कि उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट ज़्यादातर प्रॉब्लम है कॉस्ट की, और 43% जीएसटी से वो काम चलता नहीं हाइब्रिड का, छोटी गाड़ियों पर बहुत कॉस्ट हो जाता है, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा छोटी गाड़ियों के लिए। ओके, छोटी गाड़ियों के लिए इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि स्पेशली आपका जो इस वक्त सबसे आई थिंक जो अहम प्रोडक्ट है ग्रैंड विटारा, उसकी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मुताबिक? मतलब आपको लगता है कि आई मीन यूपी मेजर स्टेट है सर, इसके सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आपके प्रोडक्ट का ये इन्वेक्टो और ग्रैंड विटारा यही है। कितने नंबर बढ़ पाएंगे यूपी में, इसका तो अंदाज़ा आपको दे नहीं पाऊंगा, बट मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म अगर 2-3 साल की बात देखेंगे तो इसका गाड़ी जैसे ग्रैंड विटारा है या कोई और नई मॉडल आएगी हाइब्रिड की, उनका सेल जो आजकल है मेरे ख्याल से उसके मुताबिक में 50% तक बढ़ सकता है।
बिल्कुल भार्गव साहब, ये बात ये बिल्कुल सही है। मतलब आपसे खैर हम ये ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं, कि थोड़े बिग टॉपिक्स पर ही बात करेंगे। आपके हिसाब से अब इंडिया में जो गाड़ियों की मार्केट है वो किस तरफ जाएगी, क्या ज़्यादा हाइब्रिड की तरफ अब वो कन्वर्ट होगी एक तरीके से? देखिए, हर एक गाड़ी हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है। बिल्कुल, और हम इस वक्त मारुति 2,20,00,000 गाड़ी बेचती है इस साल, और पूरे कंट्री में करीब 40,00,000 गाड़ी का सेल है। तो इतनी वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड, सीएनजी, सबके लिए अनलिमिटेड स्कोप ऑफ ग्रोथ है। बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि हमको जो प्योर पेट्रोल और डीजल कार्स हैं उनको हटाना है, उनकी जगह ये ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। अब कौन टेक्नोलॉजी कितनी कर पाएगी, कितना बढ़ पाएगी, विल डिपेंड कि उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, उसकी प्राइस क्या होती है और कस्टमर उसको कितना एक्सेप्ट करता है। मगर सारी टेक्नोलॉजीज को आकर और प्योर पेट्रोल और डीजल कार्स को हटाना है, असली ऑब्जेक्टिव तो ये है। अच्छा सर, सिंस आपसे बात हो रही है, एक मौका मिला है आपसे सवाल पूछने का। बस अब 10 दिन में यूनियन बजट आ रहा है, आपके हिसाब से क्या ऑटो सेक्टर के लिए कुछ बजट में आना चाहिए क्या? ये ऑटो सेक्टर का बजट में तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो चीज जैसे जीएसटी का मामला है, जीएसटी के रैशनलाइजेशन की बातचीत चल रही है, बट वो बजट में तो नहीं आती ना। बिल्कुल नहीं, वो मैं समझ गया, मैं सोचा कि कहीं अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। लेकिन खैर भार्गव सर, एक बात माननी पड़ेगी आपकी, जो आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा कि होप यही करेंगे कि बाकी स्टेट्स भी शायद यूपी से क्यू लें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये बात हो गई मारुति से, और इसी टॉपिक पर यतिन भी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। यतिन, ये सबसे पहले आपने ये न्यूज़ फॉरवर्ड की थी, क्या मान रहे हैं एनालिस्ट, कितना फ़ायदा होगा इससे बेसिकली? तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हम देखें तो मारुति का ऑल यू नो हाइब्रिड पोर्टफोलियो है, कोई भी टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनके पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो यूपी सरकार ने अनाउंस किया है कि कोई भी टाइप का रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा हाइब्रिड कार्स पे, तो लगभग 3.5 लाख रुपये एट बेस्ट एक गाड़ी पे आप बचा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मॉडल आपके 1,00,000 से 3.5 लाख बचेंगे। ऑब्वियसली इससे होता क्या है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या कॉस्ट ऑफ जो कार है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अगर हम हाइब्रिड कार की स्पेसिफिकली बातें करें तो ये अभी जो नॉर्मल कार्स हैं पेट्रोल डीजल की, इनसे 2-5 लाख रुपये महंगी है, तो कहीं ना कहीं ये हाइब्रिड कार्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। दूसरी बात के अगर हम दूसरे राज्य सरकारों की बात करें, क्योंकि यूपी एक यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी रूल स्टेट है, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो स्टेट्स हैं आस पड़ोस वाले, वो भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस मॉडल को उनके भी शहर में लाया जाए, ताकि पोल्यूशन भी कम हो और हाइब्रिड कार्स को एक पर्टिकुलर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। डिमांड पे क्लियरली एक इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि मारुति के पास काफ़ी सारी गाड़ियां हैं अपने पोर्टफोलियो में, खास करके जो इनकी जो अर्टिगा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं हाई राइडर जो टोयोटा करती है मारुति के साथ को मैन्युफैक्चर, यहाँ भी आप देखेंगे कि एक हाइब्रिड वर्जन अवेलेबल है, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, सारे के सारे मॉडल्स जो हैं ये हाइब्रिड अवेलेबल हैं बाज़ार में, तो कहीं ना कहीं इसको एक पर्टिकुलर बूस्टर मिलेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सामने भी कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से मारुति को एक एडवांटेज मिलता हुआ नज़र पड़ेगा। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय मारुति क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे, और इसी पर चर्चा करते हैं। एक्चुअली SBI सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। सनी जी, गुड आफ्टरनून, आपने कैसे एनालाइज किया इस न्यूज़ को, और क्या ये इतना बड़ा पॉजिटिव है कि एक ही दिन में स्टॉक 8% ऊपर हो जाए? गुड आफ्टरनून अनुज जी, हम लोग इसका डेटा देख रहे थे, मंथली जो वॉल्यूम होता है ग्रैंड विटारा का, तकरीबन 8,000 से 10,000 वॉल्यूम जो है, मारुति का जो 1.5 लाख यूनिट का जो वॉल्यूम होता है मंथली, उसमें से ग्रैंड विटारा कंट्रीब्यूट करती है 8,000 से 10,000 यूनिट, और जो इनविक्टो है क्लोज टू 900-2,000 यूनिट। तो 7 से 8% का जो वॉल्यूम है ऑन अ मंथली बेसिस हाइब्रिड व्हीकल से आ रहा है, जहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट
आते हुए दिखेगा यूपी गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है उसके चलते। और अगर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की जिस तरह से यतीन बात कर रहे थे, डेफिनेटली एक एवरेज अगर 2 लाख रुपए का मैं कट लेता हूँ तो जो आईसी इंजन की जो प्रीडोमिनेंट ये सेगमेंट में सबसे डोमिनेंट कार है क्रेटा ह्युंडई की, उसके टक्कर में हाइब्रिड कार आ जाएगी। और अगर मैं कॉस्ट इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है फ्यूल इकोनॉमी जो है नॉर्मल आईसी इंजन के सामने 50% ज्यादा रहती है हाइब्रिड व्हीकल की, तो जो 16-17 किलोमीटर जो चलती है पर लीटर आईसी इंजन वो चलती है हाइब्रिड में तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर, तो मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव प्रपोजिशन रहेगा फ्रॉम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और रनिंग के हिसाब से। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से यूपी में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है आसपास के राज्यों को भी इसका बेनिफिट इनडायरेक्टली होते हुए दिखेगा। मुझे लगता है कि हालांकि शॉर्ट टर्म में शायद इतना स्ट्रांग अपू ना दिखे वॉल्यूम ग्रोथ में, बट अगर मैं 6 से 12 महीने का व्यू लेता हूं तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो सेगमेंट है हाइब्रिड व्हीकल का इसमें एक स्ट्रांग अपटिक वॉल्यूम ग्रोथ में आ सकता है। तो हालांकि आज के स्टॉक प्राइस की बात करूं तो आज का स्टॉक प्राइस का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि फ्रॉम अ फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव पैसेंजर व्हीकल में फंड मैनेजर को और एक ऑप्शन आगे जाके मिल जाएगा, वो है ह्युंडई का, जिसका आईपीओ हम बहुत जल्द आते हुए देखेंगे। और जब हम रिलेटिवली आज कंपेयर कर रहे थे कि मारुति और ह्युंडई के जो ऑपरेटिंग मेट्रिक्स है फाइनेंशियल मेट्रिक है ऑन रिलेटिव बेसिस ह्युंडई के नंबर थोड़े ज्यादा बेहतर लगते हैं मारुति से। आप एवरेज सेलिंग प्राइस ले लीजिए, पोर्टफोलियो मिक्स ले लीजिए, आरओई आरओसी ले लीजिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंड का डिविजन भी होगा अमंग मारुति एंड ह्युंडई वंस दैट कंपनी गेट लिस्टेड। तो व्यू कंस्ट्रक्टिव है मारुति का ये न्यूज को लेकर के, बट इसका जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा समय लगेगा इसका आने में। ठीक है सनी, आपको लगता है कि जो आज यूपी सरकार का ये निर्णय है इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट मारुति पे ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी ऑटो कंपनियों ने हाइब्रिड पर उतना काम नहीं किया और आई थिंक टोयोटा और मारुति इन्हीं के जो हाइब्रिड पोर्टफोलियो सबसे स्ट्रांग है। इनफैक्ट दोनों गाड़ी एक दूसरे की रेप्लिका है, इनवेक्टो और आई थिंक टोयोटा की भी, मारुति की भी और टोयोटा की भी। यस डेफिनेटली आई थिंक टोयोटा की जो हाईराइडर है उसी की कॉपी है ग्रैंड विटारा, और अल्टीमेटली हाइब्रिड में राइट फ्रॉम स्टार्ट टोयोटा की मास्टरी रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट होंडा की जो सिटी है वहाँ एक काइंड ऑफ हाइब्रिड व्हीकल आती है, हालांकि वो कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि, और ह्युंडई की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इनकी जो पहली हाइब्रिड कार है 2026 में आने वाली है, तो जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है उसके वहां से कोई कंपटीशन है नहीं, तो अल्टीमेटली जो पूरा पूरा बेनिफिट है टोयोटा और मारुति को ही आते हुए दिखेगा एज ऑफ नाउ फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 months। चलिए शुक्रिया सनी जी इस पूरी वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए और आई थिंक इस पर अपना व्यू रखने के लिए। मीनवाइल प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, मार्केट सभी भी दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ। प्रशांत गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है प्रशांत इस वक्त का? जी विनु जी गुड आफ्टरनून, जब हम सुबह 10 के दबदार ट्रेंड में मिले थे तब मैंने 525 पे अपोलो टायर रेकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 545, ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक है, बट अब मुझे लग रहा है कि ये पोजिशनली कैरी करना चाहिए। अब मैं रेकमेंड करूंगा स्टॉप लॉस 528 और जो टारगेट होगा वो होगा 560। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक न्यू हाई जो प्रीवियस स्विंग आए थे 555 उसके ऊपर कंफर्टेबली जाने के लिए तैयार हो चुका है। चलिए अब आपकी कॉल हो गई अपोलो टायर्स 538 पे, ये भी स्ट्रांग मूव देता हुआ। इस बीच मारुति को लेके आइए अब 6.4% ऊपर। अनुज आई थिंक इस विषय पे हम लगातार डिस्कशन करते हुए हैं, हाइब्रिड 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 और स्पेशली जिस प्रकार का ग्रैंड विटारा वॉल्यूम्स जनरेट कर रही थी और इस टेक्नोलॉजी पे मारुति ने काफ़ी विश्वास किया कंसिडरिंग आई थिंक भारत की डायनेमिक्स। हम अभी तक पूरा का पूरा चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क पे काम नहीं कर पाए थे, उन्होंने कहा ठीक है साहब गाड़ी ऐसी बनाओ जो पेट्रोल पे भी चले और बैटरी भी चले। तो मारुति के लिए अभी ये खबर कितनी विन विन सिचुएशन है और क्या मारुति यहाँ से डिलीवर कर सकता है अब, क्योंकि शायद दूसरी स्टेट्स भी फॉलो करें इसको। बिल्कुल, देखिए वीरू इसमें एक और चीज़ है जो आज का जो प्राइस रिएक्शन है ना उसमें कुछ हद तक ये चीज़ भी है कि इस स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था कंपेयर टू से टाटा मोटर्स। तो हर स्टॉक को कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए, अब जैसे ह्युंडई का आईपीओ आ रहा है वो एक ट्रिगर होगा, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर था। पिछले एक साल का आप मूव देखिए, आई थिंक टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट डबल मूव दिखाया कंपेयर टू मारुति। मैं ईयर टू डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 महीने का, हाँ 12 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे टाटा मोटर्स करीब करीब 63% भागा है, मारुति करीब करीब 30% भागा है, उस 30 में से भी 7-8 तो आज ही आया है, तो एक इम्पैक्ट वो भी है। मारुति पर मेरा हमेशा ये मानना है
इस देश में अगर एक कंपनी जिसके अगेंस्ट आप बेट नहीं कर सकते वो मारुति है। मैंने इसकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है ना वो देखी है। जब ह्यूंडई पहली बार आई थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि अब मारुति की कारें बिकना बंद हो जाएंगी। ह्यूंडई के आने के बाद वैगन आर इंडिया की नंबर वन सेलिंग कार बन गई थी जिस उस टाइम पे जब सेंट्रो बहुत अच्छा कर रही थी। हमेशा कोई भी नई गाड़ी आती है वो मार्केट साइज़ को एक्सपैंड ही करती है और मारुति उसका फ़ायदा ही उठाती है। मारुति की अंडर परफॉर्मेंस में एक बड़ा फैक्टर था जो वो एसयूवी स्पेस थी उसमें कुछ नहीं कर पा रही थी, जो पूरी की पूरी स्पेस महिंद्रा ने खा ली थी। अब आप देखिए पिछले 6 महीने में क्लियरली मारुति ने उसमें करेक्टिव एक्शन लिए हैं। वो ग्रैंड विटारा हो चाहे वो उनकी अभी जो रिसेंटली टोयोटा के साथ मिलकर जो उन्होंने गाड़ी बनाई है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। तो वो एक क्लियरली इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। और एक चीज़ तो आप हमेशा समझ लीजिए, मारुति जैसी कंपनी को 6 महीने से 1 साल लगता है अगर वो किसी सेगमेंट में लेट भी हो तो भी उनका जो नेटवर्क है उस हिसाब से वो जो लॉस मार्केट शेयर उसको वापस पाने में 6 महीने से 12 महीने इससे नहीं लगता मारुति जैसी कंपनी को। तो आई थिंक ये फैक्टर्स होते हैं कि मारुति जैसा स्टॉक अंडर परफॉर्म करने के बाद जब भागना शुरू होता है तो इसी तरीके से भागता है जैसे आज भागा। जी हाँ, क्या गजब मूव यहाँ पे आपने एटेटिक्स में सुना भी एग्जैक्टली मारुति पर व्यू क्या है। एक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं, बहुत संक्षेप में रखिएगा रचना जी, अगर ये 13,000 के क्लस्टर को इस बार पार करता है तो व्यू क्या बनेगा मारुति पर? जी मारुति को अगर आज की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहती है और 13,000 क्रॉस करता है तो 13,400 और 500 की तरफ बहुत ही जल्दी जाएगा एंड 13,500 के आसपास एक अच्छा बुकआउट का लेवल बनेगा। ओके, चलिए ये बात होगी मारुति की। अब थोड़ी कमोडिटी स्टॉक्स की बात करते हैं। टाटा सरकार चावल एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है, सूत्रों के मुताबिक चावल के कुछ वैरायटी के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। वहीं उत्पादन में गिरावट से चाय की कीमतों में तेज़ी है। ये दोनों सेक्टर्स पर डिटेल लेते हैं।